फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल बेसन के लड्डू की रेसिपी। गणेश जी को लड्डू बहुत ही प्रिय हैं, तो इन लड्डुओं को हम आधा कप घी से 1 किलो बेसन के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे और जो खाने में बहुत ही दानेदार होंगे। तो देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप बेसन। मेजर के लिए आप कोई भी घर की कप या ग्लास सेट कर लें। 2 मैं यहाँ पे 2 कप बेसन के लड्डू बना रही हूँ। अगर आपको ज्यादा बनाने हो तो आप बेसन ज्यादा ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, बिल्कुल कम फ्लेम पे बेसन को कम से कम 7 से 8 मिनट तक हम करेंगे ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, बेसन में जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और जो हमारे लड्डू हैं दानेदार बनेंगे। मैं अपने बेसन को ड्राई रोस्ट करते हुए हो गई है 4 मिनट और ये हल्का सा कलर भी चेंज करने लगा है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें 1 कप डाल रही हूँ मैं सूजी। सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं, हमारे लड्डू सूजी डालने से काफी दानेदार बनेंगे और खाने में भी बहुत ही जिसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब हम सूजी को डालने के बाद भी हम इसको अभी भून लेंगे इसमें गोल्डन कलर आने तक। हम इसको ड्राई रोस्ट इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके बनाने से जो होता है ना, लड्डू में घी भी कम लगता है और लड्डू हमारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं अभी ड्राई रोस्ट। तो फ्रेंड्स, मुझे बेसन को भूनते हुए हो गई है 10 मिनट और आप देख सकते हैं बेसन का हमारा कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, कप से मैंने सूजी और बेसन का माप किया था उसी कप से मैंने 1 कप लिया है घी और घी को मैंने मेल्ट करके ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें आधा घी डाल देंगे और आधे को हम साइड रख लेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज हम आगे करेंगे। घी के साथ भी इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। पूरे बेसन को भूनने में हमें लगता है 15 से 16 मिनट का समय। अभी आपको ये लग रहा होगा ये ड्राई ड्राई ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे हमारा बेसन भूनता जाएगा उसमें से जो है घी रिलीज होता चला जाएगा। तो इसको हम भून लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए, मैंने बेसन को और भून लिया है 6 से 7 मिनट और आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका जो कलर है गोल्डन हो गया है। और जब हमने इसमें घी डाला तो ये काफी ड्राई ड्राई सा लग रहा था, लेकिन भुनने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफी घी की मात्रा जो है अच्छी लग रही है देखने से। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 7-8 मैंने बादाम लिए थे, इनको कट कर लिया है। 7-8 भी मैंने काजू लिए थे, 6-7 किशमिश ली थी, इसको भी मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको डालकर इसमें 1 मिनट तक भून लेंगे। इस तरीके से भून के ड्राई फ्रूट्स डालने से क्या होता है ना, इनका जो क्रंच है लड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पर इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। इसको मिक्स कर लेते हैं। टोटल हमें कम फ्लेम पर अपने बेसन को भूनने में लगा है 15 से 20 मिनट का समय और इसको हमने पूरे टाइम कम फ्लेम पर ही भूना, इसे हम हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। यहाँ पर मैंने इसे एक बड़े से बॉल में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए छूने लायक। तो देखिए 7-8 मिनट हो गई है, मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। इतना ठंडा हम इसे कर लेंगे कि हम इसे हाथों से टच कर पाए, तो मैं इसे हाथ से टच कर रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे यहाँ पर लिए है मैंने बूरा या फिर देसी खांड। अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्या करें, चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर 1 कप डाल रही हूँ मीठा, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम इसे हल्के गरम बेसन में जाके क्या होगा, हमारी जो बूरा है थोड़ी सी मेल्ट होने लगेगी, वो हम मिक्स कर लेते हैं। और ये मेल्ट हो जाएगी तो जो हमारा बेसन है थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा और इससे हमें लड्डू बांधने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम ज्यादा गर्म बेसन में बूरा डाल देंगे या फिर चीनी डाल देंगे, उससे क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी, जो हमारा बेसन है थोड़ा पतला पतला सा हो जाएगा और हमारे लड्डू प्रॉपर शेप में नहीं बन पाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करें, या तो फिर थोड़ा सा बेसन ड्राई रोस्ट कर लें या फिर थोड़ी सी सूजी ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे तिलो साइड रख देते हैं और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से अच्छे से मिक्स होता है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से लड्डू बांध के देख लेंगे। अगर ये बंध रहा है और हमारा लड्डू बिखर नहीं रहा है तो इसमें जो घी है घी की मात्रा बराबर है। अगर आपको लगे लड्डू बिखर रहा है या टूट रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा घी और डाल लें, पर यहाँ पर मेरे लड्डू में घी की मात्रा एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम इससे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक लड्डू बन गया है और मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। पोर्शन लेंगे और हाथ में इस तरीके से गोल घुमाएंगे एक को इस तरीके से बांधते हुए ताकि जो लड्डू है अच्छे से बाइंड हो जाए। फिर हम इस तरीके से हाथ में इसको झूला झूला देंगे, इससे लड्डू की शेप अच्छी हो जाती है।
तो ये देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी तैयार है और इसी तरीके से हम अपने सभी लड्डू बना लेंगे। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा घी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, अगर आपको लगे तो आप इसमें एक दो टेबल स्पून घी डाल लें। तो ये लीजिए हमारे सभी लड्डू बनकर तैयार हैं। तो आपने देखा ही कितना बनाना आसान था। मैं इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ यहाँ पर पिस्ते से, आप चाहे तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा आधा कप घी से हमने 1 किलो लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। हलवाई के लड्डू से भी अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं जो सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं रक्षाबंधन आ रहा है, बाकी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो इस फेस्टिवल आप इन लड्डुओं को जरूर ट्राई करें। तो देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखा देती हूँ कितने दानेदार बने हैं, और इनका आप टेक्सचर देख सकते हैं, खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और घर पर आप इन्हें जरूर ट्राई करें। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।